खबर है दौसा से, जहां पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन वे अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सांसद हरीश मीणा के बयान पर जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हरीश मीणा को तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब सम्मान दिया था, उन्हें सांसद बनाया था, फिर भी वे भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं अपनी विचारधारा कभी नहीं बदल सकता। सम्मान दिया, हमने एमपी बनाए, फिर भी भाग गए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन मैं मेरी इच्छा विचारधारा नहीं बदल सकता। वो सचिन पायलट साहब ने बात तो ठीक कही है, लेकिन उनके राज में पुनर्गठन हो जाता तो बहुत अच्छा बात था, लेकिन पुनर्गठन एक टेढ़ी प्रक्रिया है। ये देश के राष्ट्रपति तक मामला जाता है तो इसको लीगली सरकार एग्जामिन करवा रही है। अगर लीगली कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं दौसा में बीजेपी की ओर से आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अलग अंदाज देखने को मिला। इस सम्मेलन में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बूथ अध्यक्षों की क्लास लेते नजर आए। जैसे ही उन्हें बूथ अध्यक्षों की संख्या कम दिखाई दी तो उन्होंने एक एक मंडल का नाम पुकारा, उस मंडल के बूथ अध्यक्षों को हाथ खड़ा करने के लिए कहा। बूथ अध्यक्ष अनुपस्थित मिले तो उन्होंने संबंधित मंडल अध्यक्ष को ये निर्देश दिए कि वे अनुपस्थित रहने वाले बूथ अध्यक्षों के मोबाइल नंबर उन्हें उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूंगा। हालांकि मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्षों की अनुपस्थिति के पीछे बारिश का आना कारण बता रहे थे। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश प्रभारी निर्देश देकर गए थे कि बूथ अध्यक्षों की बैठक लेनी है, इसलिए बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। अध्यक्षों की मीटिंग करने के लिए मेरे को जिम्मेदारी देके गए थे, उस दृश्य से बूथ अध्यक्षों की आज ये बैठक आयोजित की गई है, संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से, जो ये सतत प्रक्रिया है संगठन की। और हम आंकड़े ले रहे हैं, कुछ अभी आ ही रहे हैं, कई जगह बरसात है, और 100% आंकड़े हो जाएंगे, सारे बूथ अध्यक्ष पहुँच जाएंगे। तो महारो राजस्थान में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप